हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूट्रिशन 99 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीताफल के बारे में। दोस्तों सीताफल भी सर्दियों के शुरुआत में मार्केट में देखने को मिलता है और काफ़ी पौष्टिक फल भी माना जाता है। कुछ लोगों ने खाया होगा, कुछ लोगों ने नहीं खाया होगा। इंग्लिश में इसे कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। वो भी मैं रोग आपको बताऊँगा, उन रोगों को ये ख़त्म नहीं करता, हाँ उसे कंट्रोल करने में ये मदद कर सकता है। तो सबसे पहला है, प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। कुछ फ्रूट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये फ्रूट जो है सीताफल, इसे आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। बाकी आप एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ये शिशु और माँ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनके सेल ग्रोथ के लिए फ़ायदा रहता है। सीताफल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। अगर आपकी स्किन रूखी सूखी रहती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये आपके ओवरऑल हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसमें जिंक मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि बालों को भी नॉरिश करने का काम करता है। सीताफल में आयरन और विटामिन सिक्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि ब्लड बनाने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, अनीमिया के शिकार हैं आप, तो खून की कमी को भी पूरा करता है। दोस्तों कुछ लोग हाई बीपी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है, हाई बीपी की परेशानी अगर ज़्यादा रहे तो स्ट्रोक आने का भी खतरा रहता है। तो अगर आप भी हाई बीपी से जूझ रहे हैं तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। यह बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, सीताफल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपको कब्ज़ नहीं होने देता और भी डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी ये फ़ायदा देता है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में कि किन कंडीशंस में आपको सीताफल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई किडनी का रोग है, किडनी रोगी हैं आप, तो आपको फलों से दूर ही रहना चाहिए और सीताफल से भी दूर रहना चाहिए। अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी आपकी सैलेड या फिर सब्जियों से भी पूरी हो सकती है। अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो डायबिटीज़ रोगियों को भी यह सोच समझ कर ही खाना चाहिए, क्योंकि यह एक मीठा फल है और ये इंसुलिन को भी शूट कर सकता है। तो ये दो लोगों को ध्यान से इसे खाना चाहिए और सोच समझ कर ही खाना चाहिए। तो यह था सब कुछ सीताफल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।